व्हाइट कलर में मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, श्रद्धालु आए हैं, काफी सुंदर दिख रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे सांप बने हुए हैं, रुद्राक्ष बाबू, एक रुद्राक्ष, पांच मुखी है, कस्तूरी है, काली माँ का बहुत प्यारी लग रही है। तो देखे इस कदर से यहाँ पे भक्तगण है, इतने सारे यहाँ पे है। गाइस वेलकम बैक, मैं यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रॉल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो आज से राजिम पुण्य मेला चालू होने वाला है, तो आज पहला दिन मैं पहुंच चुका हूं। तो चलिए देखते हैं, मेरे साथ हैं दमान जी भी आए हुए हैं, वो भी व्लॉग शूट करेंगे, और मेरा सेकंड चैनल है फ्रूडी एंड लाइफ स्टाइल व्लॉग, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखेगा। तो चलिए आज का जो व्लॉग है स्टार्ट करते हैं। इस तरह से लोगों का आना जाना चालू हो चुका है, मैं तो सोचा नहीं था कि पहले दिन में इतना क्राउड देखने को मिलेगा। चलिए अभी तो हम लोगों को अंदर चलना है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन सब लगी हुई है, अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। इस यहाँ से नज़ारा देखिए, भीड़ होने वाला है। अभी तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, जैसे जैसे शाम होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ का जो क्राउड है भाई तगड़ा होगा क्राउड। पूरा दुकानदारी एरिया है चारों तरफ, उधर लक्ष्मण झूला है, और इधर चलना है अपने को, साइड में है मंदिर। गाइस यहाँ पे गन्ना रस, गर्मी लग रही भाई, यहाँ पे धूप तेज है, और देखो भक्तगण आए हैं यहाँ पे, कुछ लोग वापस भी जा रहे दर्शन करके, और कुछ लोग तो भाई 15 दिन तक यहीं पे रहते हैं। ये देखो इस तरह से दुकानें लग चुके हैं, अंदर में बहुत सारे दुकानें हैं, और यहाँ पे VIP लॉन की एंट्री है भाई, कार्यक्रम भी होते हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत सा माता रानी विराजित है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वाह। तो यहाँ पे लिखा है राजीव लोचन मंदिर, तो चलिए आप लोगों को अपन दर्शन कराते हैं माता रानी का। और यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी हैं, और उनके नाम भी लिखे हुए हैं, ये देखिए पढ़ लीजिएगा पूरा नाम, हार्दिक अभिनंदन। चलिए भगवान जी का दर्शन करते हैं, भक्तगण हैं इतने सारे लोग। गाइस पहले अपन दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेला देखने चलेंगे, मेला जस्ट पास में ही है। पूरे व्हाइट कलर में मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, श्रद्धालु आए हैं, यहाँ पे गाना बजाना भी चल रहा है, जगह पे पुलिस प्रशासन लगी हुई है, सेवा दे रहे हैं सब। यहाँ पे जूते चप्पल उतारते और दर्शन कराते हैं भगवान जी का, अगर कैमरा अलाउ हो तो। गाइस तो चलिए अपन दर्शन करते हैं, आपको भी घर बैठे दर्शन कराते हैं दूर से, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी मना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर था, और हमारे पीछे साइड में बहुत सारे मंदिर हैं, सामने तरफ में बहुत सारे मंदिर हैं। तो चलिए आप लोगों को दूर से अपन दर्शन कराते हैं भगवान जी का, और देख रहे हैं कितने पब्लिक है यहाँ पे, और यहाँ पे भैरव बाबा जी, तो चलिए दर्शन, जय भैरव बाबा जी। गाइस तो मैं मंदिर के चारों ओर आप लोगों को घूम कर दिखला देता हूँ, यहाँ पे कुछ फैमिली हैं शायद, यहाँ पे मुंडन वगैरह हो रहे हैं, यहाँ पे मुंडन भी कराया जा रहा है। और ये मंदिर देखिए कितना भव्य मंदिर है, पूरे वाइट कलर में है, और यहाँ पर भी भगवान जी विराजमान हैं, तो दर्शन कराता हूँ मैं, ये देखिए दर्शन करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, श्रद्धालु सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अभी क्राउड उतना नहीं है, जैसे जैसे शाम होते जाएगा उसके बाद फिर ये बना हुआ है गेट, बहुत भीड़ रहेगा, श्रद्धालुगण सब जा रहे हैं, मेन मंदिर यही है, और यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा है, 10 रुपये पैकेट है, यहाँ इधर भी चलते हैं। वाला गेट से मैं आया हूँ, लेकिन भाई काफ़ी सुंदर दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे सांप बने हुए हैं, और यहाँ पे मूर्ति भी है, और ये गेट में देखिए किस तरह से पूरा सांप लिपटा हुआ है, अलग ही डिजाइन है भाई यहाँ, ये तो मैं कभी देखा ही नहीं था, मैं मुझे लगा यहाँ मेरे को दिखलानी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद आप लोग भी ध्यान में भी आऊँगे, पूरा ये गेट है ऐसी बना हुआ है। देन सामने में भी एक मंदिर है, उनका दर्शन करते हैं फिर बाहर निकलते हैं, हिंदी महाराज जी विराजमान हैं,
और ये मंदिर देख रहे हैं, बहुत पुरानी मंदिर है भाई। ये देखिए लोग दूर दराज से आते हैं दर्शन करने के लिए, और शिवलिंग है तो आप भी घर बैठे भोलेनाथ जी का दर्शन करिए। हर हर महादेव। गाइस हमने मंदिर का दर्शन कर लिया, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, वो हर मंदिर को मैं नहीं दिखला पाया क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था। अभी मैं निकल रहा हूँ, जस्ट सामने में मेला लगा हुआ है, मेला देखते हैं। यहाँ पे मुर्रा लड्डू, तिली लड्डू, कते के मुर्रा, ये पाँच छन, और ये तिली लड्डू दस रुपये पाँच, दस रुपये पाँच, पाँच खानी लूँ, पाँच खानी लूँ। चलो बढ़िया है, दादी से बातचीत किया, सब घर से बना बना के लेके आए हुए हैं। इस तरह से मुर्रा है, लाई है, खजूर है, यहाँ से भी अपन एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा दुकान ही दुकान लगे हुए हैं, सामने में लगा है मेला, मेला देखते हैं। ये यूनिक लग रहा है, इसको पूछता हूँ मैं, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये? रुद्राक्ष बाबू, एक रुद्राक्ष, पाँच मुखी है, कस्तूरी है। इससे क्या होता है? एक मुखी सदा सुखी होता है, संकट के लिए, सभी के लिए, कष्ट के लिए दूर करेगा। और ये कस्तूरी है, सिक्के में नचा के दिखाओ, दिखाओ यहाँ पे दीदी, सिक्के को उछाल के दिखाएंगे। जिंदा रुद्राक्ष रहेगा तो घूम जाएगा। रुद्राक्ष वाला 100 रुपया बोल रहे थे, मैं बोला भाई मेरे को सिर्फ देखना है। और यहाँ पे इस तरह से पूरे माला की दुकान है, टोपी है, फिलहाल के लिए यहाँ पे हमेशा लगा रहता है। नीचे में जो लगा हुआ है ना, वो बड़े लेवल में लगा हुआ है। तो चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं। और ये है लक्ष्मण झूला, अभी तक चालू हुआ है कि नहीं हुआ है भाई साहब? गेट तो बंद नज़र आ रहे हैं, इतना बड़ा मंच बना हुआ है, और शाम के समय में यहाँ पे कार्यक्रम होंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं इतने भक्तगण आए हैं, श्रद्धालु की कोई कमी नहीं यहाँ पे। और लक्ष्मण झूला भी ओपन हुआ नहीं है, काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम भी दिया हुआ है, तो कोई भी अगर छेड़छाड़ी या ऐसी किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पे आके कंप्लेन कर सकते हैं। और वैसे जगह जगह पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो आकर कंप्लेन कर दीजिएगा। हेडफोन बिक जा रहे हैं 50-100 रुपये में। और यहाँ पे आरती होता है, शाम तक रुकना होता है, तो यहाँ का मैं आरती भी आप लोगों को दिखलाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा स्टेज बना हुआ है, और यहाँ पे है पूरा मार्केट एरिया भाई, चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है। वाह कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे गुड़िया है, बच्चों लोगों के लिए खिलौने हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। और यहाँ पे समोसा, भजिया, पकौड़े, और ये टैटू, जो टैटू के दीवाने हैं उनके लिए यहाँ पे टैटू भी है, रंग बिरंगे टैटू है। और ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ बना हुआ है यहाँ पे। चावल पे नाम भी बता सकते हैं, चावल के नाम। और यहाँ पे सिंदूर मिल जा रहे हैं, बॉगस के यहाँ पे ट्राईपॉड वगैरह भी आया हुआ है, हर तरह की दुकान अवेलेबल है यहाँ पे। खाने पीने की भी दुकान है, फल के भी दुकान लगाए हुए हैं यहाँ पे, गन्ना रस, नारियल। भैया जी, हाँ भैया बोलिए, बढ़िया हर एक माल 10 रुपया। और यहाँ भी वही उद्रास वाला है, बीच का थोड़ा अखबार में छाप देना कि एक मुखी उद्रास नेपाल की दुकान लगी, नेपाल की, नेपाल की दुकान। अरे वाह क्या वाह, यहाँ घड़ी के भी दुकान है, तरह तरह की घड़ी लगी है। ये लाइट वाला है, बस यहाँ पे घड़ी, बर्तन, तो बहुत सारे वैरायटी हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे चल रहा है झांकी, चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं झांकी।
समोसे भजिया सब खा रहे हैं। यहाँ पे चाउमीन है 20 रुपए में, दबेली 10 रुपए में, मंचूरियन भी है और यहाँ पर है कुलेश्वर मंदिर करके लिखा हुआ है। चलिए अपन चलते हैं मंदिर के अंदर, आप लोगों को दर्शन कराएंगे। यहाँ पे नारियल भी मिल जा रहे हैं चढ़ाने के लिए और यहाँ पे काली मैया घूम रही है। इनका गेटअप देखिए भाई भाई, ये है कुलेश्वर मंदिर। देन पूरा माहौल देखिए, ये है लक्ष्मण झूला और उसके जस्ट बगल में भी यहाँ पे भी मार्केट लगी हुई है, तो यहाँ भी चलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा गेटअप है इनका, काली माँ का बहुत प्यारी लग रही है। हाँ रखते हैं गाइस, तो इतने भक्तगण आए हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, जूते चप्पल यहीं पे अपने को छोड़ना पड़ेगा। ये है जूते चप्पल उतारने का स्थान, यहाँ पे फुल सिक्योरिटी गाइड है। चल तो ये पूरा राउंड लेना पड़ेगा अपने को, जो वीडियो लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। VIP के लिए अलग है भाई। राजीव मांगे पुण्य मेला में आए सभी श्रद्धालुओं का। ऐसा बहुत लंबा है यार, अभी तक घूम ही रहे हैं अपन और ऊपर में है मंदिर। एक बार और आ चुका हूँ मैं, तो देखिए इस कदर से यहाँ पे भक्तगण हैं जो भगवान जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं अंदर में कैमरा अलाउ है या नहीं है, पिछली दफ़ा तो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। और यहाँ भी भीड़ भाई, देखिए मंदिर का नज़ारा। ये है बॉयज़ लॉन के लिए, तो ये है लक्ष्मण और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ऊपर से पूरा व्यू दिखला रहा हूँ लोगों का। भीड़ देखिए, वहाँ पे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, छोटी सी बच्ची वहाँ भी चलेंगे। और ये लक्ष्मण झूला है, बरसात के दिनों में पूरा पानी भर जाता है, तो ये लक्ष्मण झूले के थ्रू आप आ सकते हैं। ये देखिए पूरा कुलेश्वर महादेव की मंदिर की ओर आती है ये पूरा, तो बस थोड़ा सा बचा हुआ है, अब अंदर चलते हैं दर्शन करते हैं। तो ये देखिए मंदिर के अंदर अपन आ चुके हैं और यहाँ पे इस तरह से भगवान जी विराजमान है। बहुत पुरानी ये मंदिर है, अच्छे से दर्शन कर लिया है। भीड़ कम है, अच्छे से दर्शन हो गए और यहाँ पे बहुत सारे मामा जी हैं, देखिए पंडित जी बैठे हुए हैं। तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और हमारे पीछे साइड आप देख ही रहे हैं किस कदर से भीड़ है और यहाँ भी मंदिर है, उनका भी अपन दर्शन कर लेते हैं। माँ दुर्गा पंडित जी बैठे हैं, प्रसाद दे रहे हैं शंकर भगवान जी का। माँ दुर्गा का भी अपन दर्शन कराते हैं, टाइम देख रहे हैं 4 बजने वाले हैं। हेलो, ये देखिए घर जाते हैं आपकी दर्शन करके। तो हमने महादेव का दर्शन कर लिया है, अब हमारे जो जूते हैं वो हमने सामने पे छोड़ दिए थे, तो लेने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे झूला का व्यवस्था है, उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा शिवरी नारायण में होता है। कल चलेंगे शिवरी नारायण, जगह जगह पे नल दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
जूते पहनते हैं फिर निकलते हैं। तो ये वाला सेक्शन देखते हैं, यहाँ भी बहुत सारे दुकानें लगे हुए हैं, हल्का फुल्का झांकी भी अंदर में देखते हैं। ये देखिए इस तरह से कितने सारे माला है, मेला में यही सब देखने का मज़ा ही अलग है। ये प्रसाद है, आगे साइड भी देख रहे हैं, दूर दूर तक आप लोगों को लोग ही लोग नज़र आएंगे, दुकान ही दुकान है। ये सामने में हो रहा है, यहाँ पर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, अब नज़र आ रहा है। पे आप लोगों को भोजन में मिल जाएंगे, देखो सब बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कई लोग क्या है यहीं पे रुकते हैं। गाइस तो इस तरह से बना हुआ है जहाँ पे लोग स्नान कर सकते हैं, सुबह स्नान करने के लिए अच्छी व्यवस्था है। सामने में सूरज देवता है, बहुत खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। दोपहर का माहौल और अभी शाम का माहौल देखिए भाई साहब, इस कदर से लोग ही लोग हैं चारों तरफ। यहाँ पे जमकर साफ सफाई भी चल रहा है गाइस, तो हम जहाँ से एंट्री लिए थे वहीं पर हम पहुँच चुके हैं और सामने में कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं या होने वाले हैं, अनाउंसमेंट चल रहे हैं। तो शाम के समय 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो अगर कुछ कार्यक्रम देखने के शौकीन हैं तो यहाँ पे स्टेज बना हुआ है और यहाँ पर आरती होता है, तो देखते हैं होने जा रही है लगातार। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन को हम भूल गए थे, हम लोग सीधा सीधा चले गए थे, देखिए नज़ारे यहाँ के भाई। चलिए इधर कार्यक्रम भी हो रहे हैं, ये देखिए ये है इस बार भाई बहुत अच्छे ढंग से मेला का आयोजन किया गया है, ऐसा तो नहीं लगता था राजीव मेला में। दुकानें लगे हैं, लाइन से लगी, अभी सेट लगा नहीं है। फिनाइल सही है भाई, तो आइए देखिएगा भाई, बहुत बड़ा ये मेला का आयोजन हो रहा है यहाँ पे, राजीव कुंडी मेला। यहाँ पे पानी भी मिल जा रहा है, फिनाइल भी है, एसिड भी है,
ये देखिए, ये भी यूनिक लग रहा है, इतने सारे यहाँ पे। सबसे चीज है लकड़ी से बनी हुई है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग।